आदरणीय गौरी जी, रंजीत कौर जी और अभी अभी पधारे हमारे नए गेस्ट जान सची सभी माताओं बहनों का तथा सभी उनके साथ आए हुए हमारे भाई बंधुओं का मैं इनसे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और बधाई देता हूँ। आज एक ऐसा दिन है कि जिसे बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलते हैं नारी शक्ति दिवस, तो उतनी शक्ति से इसका प्रचार और प्रसार भी होना चाहिए कि लोगों को पता चले कि यहाँ कोई शक्तिशाली प्रदर्शन हो रहा है और कुछ प्रदर्शन के आधार पर ही नारी शक्ति का और रूप दिखाई देना चाहिए। अपने हिंदू शास्त्र में कहा है कि जहाँ नारी को पूजा जाता है वहीं पे देवताओं का वास होता है। आज तीनों तथा अपवाद स्वरूप सभी तरह के लोग समाज में दिखाई देते हैं। कई जगह नारी का अपमान भी होता है, कई जगह नारी को तिरस्कृत किया जाता है। ये सब देख करके मन बहुत विचलित होता है, लेकिन साथ साथ में ये आज लगती है कि आप जैसी महिलाएं, आप जैसी स्त्रियां, क्योंकि समाज के लिए अग्रणी होकर के और कुछ न कुछ ऐसा ठोस कार्य कर रही है जिससे समाज को एक दिशा मिलती है और ये पता चलता है कि नारी शक्ति किसी से भी कम नहीं है। नारी शक्ति को परखने के लिए किसी व्यक्ति को अगर पूछा जाए तो शायद उसके पास में कोई शब्द नहीं होगा, क्योंकि आज भी अधिकतर पुरुषों के अंदर, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज आज भी कहा जाता है, पुरुषों के अंदर आज भी एक भावना रहती है कि नहीं, हमसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। लेकिन कुछ समय के पश्चात समय उसे बहुत कुछ सिखाता है और शायद उसके घर से ही कोई स्त्री, चाहे वो उसकी स्वयं की अर्धांगिनी हो, चाहे उसकी बेटी हो, चाहे उसकी बहन हो, वह कोई ऐसा कार्य कर दिखाती है जिसके फलस्वरूप उसकी उन्नति प्रगति और उसके जो प्रोग्रेस है वो बुलंदियों पे आनी शुरू हो जाती है। तब वो व्यक्ति महसूस करता है कि हाँ, हर एक सक्सेस के पीछे और नारी का एक हाथ मारा गया है। ये बातें इसी तरह नहीं कही गई है, इसको प्रैक्टिकल रूप में लोगों ने देखा है, समझा है और आज ये एक बहुत अच्छा प्रोडी जी ने यहाँ पे आयोजन किया है कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों से और समाज के अंदर महिलाओं को उत्थान के लिए, महिलाओं के प्रोग्रेस के लिए जो कुछ भी आप लोगों ने कार्य किया है उसे समाज के सामने ला करके और आप लोगों को पुरस्कृत करके, सिर्फ पुरस्कृत करने का यही मतलब है कि आप लोगों को और भी आगे उससे बढ़ करके कार्य करने हैं, इसके लिए सम्मान स्वरूप आज आपका सम्मान किया जा रहा है। और मैं आस करता हूँ कि आप लोग आगे और भी इसी तरह के कार्य करते रहेंगे और समाज को एक दिशा निर्देश देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।